गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी को लेकर अजमेर के एसपी चूनाराम जाट से बात की जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह ने। अजमेर की छवि को खराब करने के लिए, यहाँ की जो एकता अखंडता है उसको खराब करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, क्या वाकई में पुलिस सजग है इस चीज को लेकर? अजमेर पुलिस है वो पूरी तरह से सजग है और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अजमेर की छवि को खराब करने के लिए, यहाँ की जो एकता अखंडता है उसको खराब करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, क्या वाकई में पुलिस सजग है इस चीज को लेकर? अजमेर पुलिस है वो पूरी तरह से सजग है और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी कराने का आरोपी गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, ये जानकारी हमने आपको दी। गौहर को शरण देने वाला अमानुल्लाह भी पुलिस के शिकंजे में है। दोनों को बीती रात जयपुर लाया गया और जहां से दोनों आरोपी पूछताछ के लिए अजमेर पहुंच चुके हैं। नूपुर शर्मा को तन से जुदा कर देने की धमकी देने वाला गौहर चिश्ती हैदराबाद में पकड़ गया। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को अमानुल्लाह नाम के एक शख्स ने शरण दे रखी थी। गौहर चिश्ती के साथ अमानुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जहरीले नारे देने वाला, सर तन से जुदा करने के नारे देने वाला गौहर चिश्ती अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और ये नज़ारे जो हैं, ये जब गौहर चिश्ती को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया, वहाँ से बाय फ्लाइट उसको पहले जयपुर लाया गया और जयपुर से बाय रोड उसको अजमेर लाया जा रहा है। उसके साथ में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उसको लेकर के पुलिस यहां पर पहुंची है। सबसे पहले जो गाड़ियां हैं वो उसको एस्कॉर्ट कर रही हैं स्थानीय पुलिस की, और उसके साथ साथ जो क्यूआरटी टीम है वो, और जो पुलिस के कमांडोज हैं वो। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के सामने गौहर चिश्ती को और अमानुल्लाह खान को पेश किया जाएगा। जब एयरपोर्ट पर इसको रिसीव करने के लिए अमानुल्लाह पहुंचा और अमानुल्लाह ने ही इसको अपने घर में शरण दे रखी थी।